सवाल नंबर एक, दुनिया का सबसे अमीर मुस्लिम मुल्क कौन सा है? आपके ऑप्शन है ये, ए सऊदी अरब, बी मिस्र, सी दुबई, डी कतर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, दुनिया का सबसे अमीर मुस्लिम मुल्क कतर है। सवाल नंबर दो, कुरान मजीद में सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज कौन सा है? आपके ऑप्शन है ये, ए ला इलाहा, बी या आलमू, सी अजीम, डी इकरा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, कुरान मजीद में सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज इकरा है। सवाल नंबर तीन, इबलीस शैतान बनने से पहले क्या था? आपके ऑप्शन है ये, ए फरिश्ता, बी जिन्नात, सी इंसान, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, इबलीस शैतान बनने से पहले जिन्नात था, लेकिन इसका मर्तबा फरिश्तों से भी ऊंचा था। सवाल नंबर चार, सबसे पहले साबुन का इस्तेमाल कौन से नबी ने किया था? आपके ऑप्शन है ये, ए हजरते सुलेमान अलैहिस्सलाम, बी हजरते इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सी हजरते इदरीस अलैहिस्सलाम, डी हजरते याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, सबसे पहले साबुन का इस्तेमाल हजरते सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया था। सवाल नंबर पाँच, कुरान मजीद में कितने फरिश्तों के नाम आए हैं? आपके ऑप्शन है ये, ए सात, बी दस, सी बारह, डी पंद्रह। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, कुरान मजीद में 12 फरिश्तों के नाम आए हैं। सवाल नंबर 6, कयामत के दिन कौन लोग मुंह के बल चलकर हश्र के मैदान में आएंगे? आपके ऑप्शन है ये, ए बेनमाजी, बी चोर, सी शराबी, डी काफिर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, कयामत के दिन काफिर मुंह के बल चलकर हश्र के मैदान में आएंगे। सवाल नंबर 7, बेलिबास होने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किस पेड़ के पत्तों से अपना जिस्म छुपाया था? आपके ऑप्शन है ये, ए खजूर के, बी जैतून के, सी अंजीर के, डी बेर के। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, बेलिबास होने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अंजीर के पत्तों से अपना जिस्म छुपाया था। सवाल नंबर 8, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त इस्लाम में दाखिल हुए थे, उस वक्त आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? आपके ऑप्शन है ये, ए 25 साल, बी 30 साल, सी 37 साल, डी 42 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त इस्लाम में दाखिल हुए थे, उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 37 साल थी। सवाल नंबर 9, मक्का फतेह करने के फौरन बाद कौन सी जंग हुई थी? आपके ऑप्शन है ये, ए जंगे बदर, बी जंगे उहूद, सी जंगे यमामा, डी जंगे हुनैन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, मक्का फतेह करने के फौरन बाद जंगे हुनैन हुई थी। सवाल नंबर 10,
किस बादशाह ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दावत नामा फाड़ा था? आपके ऑप्शन है ये, ए नजासी ने, बी हुसरो परवेज ने, सी केसर ने, डी मकूफस ने। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दावत नामा हुसरो परवेज ने फाड़ा था। सवाल नंबर 11, जंगे बदर में कुफारे मक्का का सिपा सलार कौन था? आपके ऑप्शन है ये, ए अबू सुफियान, बी अबू लहब, सी अबू जहल, डी उमैया बिन खल्फ। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। जंगे बदर में कुफारे मक्का का सिपा सलार अबू जहल था। सवाल नंबर 12, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इब्रानी नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ये, ए राफील, बी हन्नान, सी नादिर, डी फारकलीद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इब्रानी नाम फारकलीद है। सवाल नंबर 13, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के कातिल का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ये, ए इब्ने मुलजिम, बी अबू जहल, सी अबू लोलो फिरोज, डी शिमर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के कातिल का नाम अबू लोलो फिरोज था। सवाल नंबर 14, दज्जाल किस चीज का बना होगा? आपके ऑप्शन है ये, ए आग का, बी बर्फ का, सी मिट्टी का, डी लोहे का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, दज्जाल मिट्टी का बना होगा। सवाल नंबर 15, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, औरतें आटा गूंधते वक्त एक गलती कभी ना करें, घर में पैसों का ढेर लग जाएगा। एक मर्तबा एक औरत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुई और दस्ते अदब को जोड़कर गिड़गिड़ाकर अर्ज करने लगी, या हजरत मेरी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती, ना ही मेरे पास इतना वक्त और ताकत है कि मैं सारी रात बैठकर अल्लाह की इबादत कर सकूं। मुझे आप कोई ऐसा आसान सा अमल बताएं जिसको करने से अल्लाह की बारगाह में मेरी दुआएं पूरी हो जाएं। बस इतना सुनना था, हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, तुम जब भी आटा गूंदने बैठो तो एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अल्लाह से ये कहो कि ए अल्लाह, तूने अपनी इस बंदी को याद किया, तूने मुझ तक रिस्क पहुंचाया और रिस्क पकाने की ताकत तूने मुझे अता की। ए अल्लाह, अपने महबूब के सदके से मेरी दुआओं को कबूल फरमा। ए औरत, याद रखना, जब अल्लाह का रिस्क इंसान अपने लिए या अपने घर वालों के लिए बनाता है तो उस वक्त अल्लाह से मांगी गई दुआ को अल्लाह कभी भी रद्द नहीं करता। दोस्तों, उसके बाद उस औरत ने फिर पूछा, यह हजरत जिंदगी में मुसीबत और परेशानियां आने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? तो ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर फरमाया, ए औरत, याद रखना, अचानक से अजाब आने की सबसे बड़ी वजह अल्लाह के रिस्क की बददुआ ही है। ये सुनकर वो औरत हैरत से पूछने लगी, या अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, रिस्क की बददुआ वो कैसे? तो ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, जब इंसान बचे हुए खाने को जमीन पर फेंक देता है और उसके बाद वो अल्लाह का रिस्क जमीन में पैरों तले कुचला जाता है, तो उस वक्त वो रिस्क अल्लाह से फरियाद करता है, ए अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए पैदा तो किया लेकिन इंसान मेरी कदर से बेवाकिफ होकर मुझे पैरों तले कुचल रहा है। इसलिए ए औरत, याद रखना, जब भी खाना खाओ तो दस्तरखान पर बची हुई रोटियां भी खा लिया करो, फिर उतना ही खाना उठाया करो जिसको तुम आखिर तक खत्म कर सको, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि दस्तरखान पर गिरी हुई रोटी जब इंसान खाता है तो वो रोटी इंसान के लिए शिफा बन जाती है।